कल्चर है कि मदर रिस्पॉन्ड किया, मैं रिस्पॉन्ड किया, ये लव कल्चर है दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कुंभ अनुसंधान निदेशालय सोलन में आयोजित 26वें राष्ट्रीय मशरूम मेले में करीब 1,00,000 रुपए प्रति किलो बिकने वाला कॉर्डिसेप्स मिलिट्रियंस आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। डीएमआर द्वारा मेले में लगाई गई प्रदर्शनी में इसको विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया था। मशरूम की यह प्रजाति औषधीय गुणों से भरपूर है और विशेषकर एथलीट्स के लिए काफी अहम है। प्रदर्शनी में आने वाला हर शख्स इस मशरूम को देखे बिना वहाँ से बाहर नहीं आया। हर्ष में डीएमआर के इस स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग रही है। देखिए, जो जिस मशरूम की आप बात कर रहे हैं वो एक औषधीय मशरूम है जिसे कॉर्डिसेप्स मशरूम के नाम से जानते हैं आप हिंदी भाषा में, उसको कीड़ा जड़ी मशरूम भी कह सकते हैं। और इस मशरूम के बहुत सारे औषधीय गुण हैं। सबसे जो एक इसका बेहतरीन गुण है कि उसे थकावट मिलती है हमारे शरीर में और ज़्यादातर एथलीट्स इसका प्रयोग करते हैं। और अन्यथा इसकी और भी कई औषधीय गुण है, जैसे आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, किडनीज को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ग्लिसमिकनेस को कम करता है, कुल मिलाकर के हमारी जो इम्यूनिटी है बॉडी की उसको बढ़ाता है और हमारा शरीर जो है बीमारियों से, जितनी बीमारियाँ होती हैं उनकी उनको लड़ने के लिए सक्षम होता है। प्लस हमें जो थकावट है इस मशरूम से कभी नहीं होती और इसको चाय के रूप में प्रयोग करते हैं और इसलिए क्योंकि इसके औषधीय गुण इतने ज़्यादा हैं, इस वजह से इस मशरूम की इतनी ज़्यादा जो है कीमत भी है गुणों की वजह से। और प्रोडक्शन भी मुझे लगता है कि हमारे देश में अभी क्योंकि नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैदावार भी होती, तो वो भी एक कारण इसका हो सकता है। लेकिन जो खाने वाले मशरूम की बात करें, क्योंकि औषधीय मशरूम है, इसको चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सब्जी के रूप में प्रयोग करना चाहें तो शायद संभव नहीं है। तो इसलिए दूसरे मशरूम है, जैसे किंग वेस्ट मशरूम है, हालांकि वो दिल्ली की मार्केट में मिलता है मशरूम और बहुत टेस्टी मशरूम है, लगभग 2,000 रुपये किलो उसकी कीमत है। तो इस तरह से एक इनोकीटेक मशरूम आप लोगों ने देखा होगा हमारे मशरूम हाउस में लगा है, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम है। प्लस उसके औषधीय गुण भी हैं, लीवर डिजीज़ को कंट्रोल करने वाला मशरूम है। और इसके साथ ही हमें चिकनोबोर्स लट्टी पोर्स करके एक मशरूम होता है, उसकी खेती में विकसित कर रहे हैं। तो कुछ मशरूम की खेती हमने विकसित कर दी है जो आम प्रचलित मशरूम है, बहुत ज़्यादा महंगी बनी है। सब्जी के रूप में अगर प्रयोग करने तो उनका प्रयोग कीजिए, दवाई के रूप में प्रयोग करना तो आप कॉर्डिसेप्स जैसे मशरूम का चयन कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो प्रजातियाँ हैं, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस वो बिल्कुल घोस्ट मॉथ के कैटरपिलर होता है, उसको प्रयोग करता है क्योंकि कीड़ा कैटरपिलर को बोलते हैं हम और जड़ी जड़ी बूटी को बोलते हैं, इसलिए उसका नाम कीड़ा जड़ी। उसी का ये एक दूसरी स्पीसी है कॉर्डिसेप्स मिलिटेरियस, जिसकी खेती हम जो पूरा चावल होता है उसके ऊपर करते हैं। पूरे चावल में कुछ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन लाते हैं और उसमें फिर कल्चर मिलाते हैं और 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर इसकी खेती की जाती है। 2 महीने में एक फसल चक्र पूरा होता है इसका और खेती करते हैं। तो लगभग एक बीकर में अगर लगाएंगे तो 12-13-14 ग्राम उसमें चावल डालते हैं, 35 ml के करीब उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं। 2 महीने के बाद जो फसल निकलेगी ताजे मशरूम की 20-22 ग्राम उसमें निकलती है। या सिर्फ मात्र दर्शनीय है क्योंकि DMR में भी प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, हमारे पास सेल के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता है अमेजोन वगैरह जैसे साइट्स उस पर भी परचेज आप कर सकते हैं क्योंकि एक आम मशरूम बिकने वाला मशरूम है। ऐसे नेट के ऊपर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो कई सप्लायर इसके मशरूम के मिल सकते हैं। यानी बहुत जो केंद्र है ये हम लगभग 3 महीने बाद एक इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका आयोजित करते हैं और इसमें 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें 10 से 12 लोग हमेशा इसमें आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों का रुझान है इस तरह से और पूरे भारतवर्ष से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने इस मशरूम का प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने अपनी खेती शुरू की है। और हिमाचल में एक शिमला में थे, मुझे मालूम नहीं अब वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने भी कॉर्डिसेप्स का काम शुरू किया था। एक बल्कि मैंने 2 साल पहले सुना था सोलन शहर में भी शायद एक कॉर्डिसेप्स के ऊपर एक लेबोरेटरी लगी थी जिन्होंने इसका काम शुरू किया हुआ था। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।